ये गाड़ी मतलब छोटी गाड़ी है, जैसे आप लोग देख सकते हो छोटी गाड़ी है। इसकी वजह से इसमें जैसे हम वेट लोड करते हैं तो स्टेयरिंग पे बहुत वजन पड़ जाता है जैसे। और दोस्तों पाइपें देख लो आप कितनी गई है, ये आप लोग देख रहे हो हिस्सा। तो दोस्तों ये रहा इसका बोनेट अंदर का, जो बड़ी गाड़ी होती है उसमें भी यही अंदर ही रहता है और उसमें बहुत ही बड़ा रहता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों ने कमेंट किया था कि एस्ट्रक की रिव्यू की वीडियो बनाओ, हमें एस्ट्रक पूरा दिखाओ, तो उस डिमांड को लेके मैं आज आया हूँ। मैं गाड़ी के पास आया, मैं क्या चलो आज रिव्यू वीडियो शूट करता हूँ। और गाड़ी रही है, गाड़ी क्योंकि चक्कर लगाने गई थी इसलिए मेरे को कुछ इतने दिन लग गए, उसके बीच में आपने व्लॉग देखे होंगे। अभी मैं ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, मैं जितना कर मैं बता पाऊँगा, जितनी मुझे नॉलेज है उतनी कर मैं आपके सामने रख दूँगा। बाकी दोस्तों अगर जो आपको लगेगा कमी है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम लगेगी या दिक्कत लगेगी वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना, मैं आपको आईडी बायो में दे दूंगा, चेक कर लेना दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट अपनी ये रिव्यू वीडियो, मिलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इंजन से, पहले इंजन की बारी है। ये देख लो, पहले आप गाड़ी देख लो, मैंने आपको गाड़ी पहले भी दिखाई है फिर भी आप गाड़ी देख लो इधर उधर से। तो रही इंजन की बात, ये यहाँ से ओपन होगा और मैं जैसे ही बोन टू उठाता हूँ तो हम क्या देखते हैं। आए लग गई यार गाड़ी, अभी चक्कर लगा के। ये तो इंजन मतलब बहुत ज्यादा गर्म है, मैं ज्यादा नहीं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत दिखाता रहूंगा जो भी है। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये 2010 मॉडल है और 16-13 है, मतलब इसमें 5 गियर हैं और एक रिवर्स। और बात करें हम इंजन की, इंजन बहुत ही पावरफुल इंजन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कमज़ोर इंजन है या फिर बहुत ही वो है, बहुत पावरफुल इंजन है। पर इस गाड़ी में क्या है कि एक दिक्कत सबसे ज़्यादा है, मतलब अगर पहाड़ में बताऊँ मैं, पहाड़ के लिए ये गाड़ी दिक्कत करती है। वो किस चीज़ की दिक्कत है, वो है इस चीज़ की, अल्टरनेटर की। दोस्तों ये जो ये रहा, ये गाड़ी मतलब छोटी गाड़ी है जैसे आप लोग देख सकते हो छोटी गाड़ी है। इसकी वजह से इसमें जैसे हम वेट लोड करते हैं तो स्टेयरिंग पे बहुत वजन पड़ जाता है, जैसे हम कहीं तंग मोड़ काटते हैं या कुछ भी करते हैं उसकी वजह से ये जो चीज़ है ये कई बार धोखा दे जाती है, टूट जाती है या कुछ भी हो जाता है। इसकी वजह से बैटरी को भी मार पड़ती है, बैटरा भी धोखा लग जाता है देने। और स्टेयरिंग तो मतलब बहुत ही टाइट, मेरे साथ 2-3 बार ये इंसिडेंट हो चुका है कि मैं जा रहा था कहीं को या आ रहा था और ये वाली चीज़ जो ये है ये टूट गई। यहाँ से मैं क्लोज़र दिखाऊं पर अंधेरा है नीचे, ये वाली चीज़ टूट गई और मतलब बहुत मुश्किल से या तो मैकेनिक देखना पड़ता है या फिर आप अगर जुगाड़ हो जैसे जुगाड़ कर सकते हो तो उसी हिसाब से आप गाड़ी को थोड़ा सा जुगाड़ करके ला सकते हो। इसमें ये प्रॉब्लम एक सबसे मेन प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता सकता हूं। और दोस्तों मतलब आप देख सकते हो कि इसका जो भी इंजन है वो सारा ही आगे है, लड़के ने अच्छा हॉर्न लगवाया है मार्शल का। ये आप देख सकते हो ये फ्यूल पम्प, जब कभी आपकी गाड़ी मतलब हवा ले जाती है या मतलब कुछ भी दिक्कत हो जाए, स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो पहले लोग ये वाली चीज़ चेक करते हैं। देखो ये नीचे को प्रेस होता है, अगर ये भारी है तो मतलब आपका डीजल फिल्टर ठीक है, डीजल फिल्टर ठीक है मतलब तेल जा रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर ये फ्री है तो फिर दोस्तों इसमें बहुत दिक्कत है। अपनी लीलैंड अशोक जो लीलैंड है उसका भी मैं रिव्यू बनाऊँगा, उसमें तो नॉर्मल बाहर से बंदा हवा निकाल सकता है, पर इसमें क्या है कि ये जो ये देख रहे हो आप ये वाला जुगाड़, इसको टैप्ड बोलते हैं, टैप्ड कवर, ये खोलना पड़ता है। उसके बाद आप अंदर से जो नट है नोजलों के वो ढीले करोगे और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और दोस्तों दिक्कत ये है कि गाड़ी छोटी है, इंजन इन्होंने आगे दे रखा है, इसकी वजह से गाड़ी गर्म बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। अब इंजन में तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, जैसे कि रेडिएटर हो गया या फिर ऑयल ब्रेक ऑयल का डब्बा हो गया, ऐसा ही बोल सकते हैं, फ्यूज़ हो गए, या फिर मैं ये एयर फिल्टर भी आप लोग देख लो, इन्होंने यहीं पे ही फिक्स कर दिया है, बाकी गाड़ियों में बाहर होता है। टाटा की जो दूसरी गाड़ी उसमें जो एलपी गाड़ी उसमें यहाँ नीचे एयर फिल्टर है, पर इन्होंने यहीं पे मतलब इंजन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं आपको रिव्यू दे सकूँ, पर मैं आपको मोटा मोटा जो इसमें डिफेक्ट है वही बता रहा हूँ। अभी बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब टाटा ने इसको बहुत बेहतरीन बनाया था, जो उस टाइम की बात कर रहे हैं हम 2010 की, उस टाइम की ये बहुत बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त गाड़ी थी। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, अब इंटीरियर की बात करते हैं, तो इंटीरियर में मिलते हैं दोस्तों। ये रही इसकी चाबी, क्या था कि इसकी एक चाबी मेरे पास है और एक चाबी जिसकी ये गाड़ी है मेरा फ्रेंड उसके पास है, तो सिंगल लॉक है। तो दोस्तों
अगर हम बात करें गाड़ी की अंदर से, तो ये गाड़ी मतलब जैसे 2010 मॉडल है। अब मेरे को ये नहीं पता कि इसमें कितनी बार ये कैबिन लगा, पर मेरे सामने अभी लास्ट ईयर की बात है, मतलब 1.5 साल पहले, हाँ 1 साल 8 महीने रख लो, तब इसमें ये वाला कैबिन लगाया उसने दोस्त ने। मतलब ये गाड़ी 2010 मॉडल है, पर जिस हिसाब से बनाया था उस हिसाब से बहुत प्यारी थी। आप देख सकते हो अंदर से थोड़ी छोटी है, ये रहा स्टीयरिंग। मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं एक लंबा लड़का हूँ, मेरी टांगे बहुत लंबी है मतलब, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है इसको चलाने में, हिल डुल नहीं पाता, तो उसको वो जो जिसकी ये गाड़ी है वो बड़े आराम से इसको चला सकता है, उसकी हाइट छोटी है, मतलब छोटी हाइट वालों के लिए कम्फर्टेबल। ऐसे तो बड़े भी जो मतलब लंबे भी है वो भी इस गाड़ी को चलाते हैं, पर मेरे लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, तो मैं मतलब कम बहुत कम। अब मैं इस गाड़ी को चला के अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ तो मेरे को वो ऐसा लगता है जैसे वॉल्वो चला रहा हूँ भाई, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग देता है। अगर आप बात करेंगे अंदर से, तो इसमें मतलब दो बंदे आराम से सो सकते हैं, मैक्सिमम दो बंदे। देख सकते हो आप लोग कितनी है अंदर से, ये है तो बहुत अच्छी, पर छोटी है यार, छोटी मतलब पहाड़ों के लिए बहुत बेस्ट है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ उठा के इसको, जो कि इसका जो इंजन, जब आपकी मान लो गाड़ी की सर्विस हो रही हो, या फिर आपने गाड़ी का मान लो गाड़ी हवा ले गई डीजल की, तो आपने जो हवा निकालनी वो कहाँ से निकालते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका बोनट अंदर का, जो बड़ी गाड़ी होती है उसमें भी यही अंदर ही रहता है, पर उसमें बहुत ही बड़ा रहता है। इसका मैक्सिमम इंजन थोड़ा बाहर वाली साइड है, पर जो हीटिंग है वो यहाँ से अंदर की तरफ है। ये आप लोग देख सकते हो, अंदर को ज्यादा नहीं है, बस इतना सा पॉइंट है, पर गर्मी बहुत ज्यादा। और गियर की बात करें तो देखो दोस्तों, टाटा ने यहाँ पे कुछ दिया नहीं था जुगाड़ की भाई, हाँ ठीक है हीट कम आए अंदर, डायरेक्ट फर्श से ऊपर की तरफ। अब हम इस सीट को लगा देते हैं, नहीं तो दोस्त बोलेगा भाई मेरी गाड़ी की सत्यानाश कर दिया। थोड़ा फंसा देते हैं भाई, एक तो पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, मैं गाड़ी का क्या काम करने लगता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे हाथ या पांव में चोट आती ही आती है, हमेशा की तरह हमेशा आती ही आती है। आज भी मैं कुछ कर रहा था, उसके बाद मेरे को सीधा टांग में चोट आई। मैंने आपको बता दिया ये अंदर का जितना भी था थोड़ा बहुत, मतलब जो चीजें रह जाती है वो लोग वो चीज आप मेरे को बता सकते हो कि हाँ भाई कि मितु भाई ये चीज रह गई, ये चीज रह गई, मैं आपको मतलब टोटल बताऊं फिर पूरा करके, क्योंकि अगर मैं थोड़ी थोड़ी बताने लगूंगा तो व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा, फिर आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी, मेरे को तो होगी ही, मेरे को मतलब होगी भी क्या, रख लो कि मैं तो कंप्लीट कर दूंगा, पर आप लोगों को अगर मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूं थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों को टोटल नॉलेज होगी कि हाँ भाई इस चीज का आपने ये बताया, इस चीज का आपने ये बताया, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहता हूं। और गानों की बात करोगे आप तो भाई स्पीकर देख लो आप, पर मैंने आपको एक पिछले ब्लॉग में बताया था नेरचौक वाले में कि भाई स्पीकर में सिर्फ बेस आता है, आवाज नहीं आती म्यूजिक की, सिर्फ बेस, और मैं सुनता हूँ म्यूजिक भाई। सो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों के लिए ये गाड़ी बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक तो ये छोटी है और चलने में भी दिखने में भी मतलब एक जीप की तरह है। तो पहाड़ों का क्या सीन है, मतलब जो अपर एरिया है, अपर ही बोलते हैं ऊपर वाले को, हाँ मजाक कर रहा था यार, जो अपर एरिया है उनके लिए सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप मेरा चितकुल वाला ब्लॉग देखना, वहां पे जो पहाड़ है वो नीचे को कटे हुए हैं, रोड तो अब तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छे बन गए हैं, अब तो मतलब नहीं दिक्कत होती, अब तो सारी गाड़ियां जा रही है दोस्तों। पर अगर मैं बात करूं उस टाइम की, जिस टाइम की ये गाड़ी है उस टाइम की भी छोड़ते हैं, अभी ले लेते हैं 2014-15 की बात, मतलब जब मैं ट्रक लग गया था चलाने तकरीबन, तो उस टाइम क्या सीन था कि पहाड़ बिल्कुल नीचे को थे, मतलब ऐसे एलपी गाड़ियां जाती थी बड़े वाली, तो उनका नहीं तो जो ऊपर होता है छत पे, जो मैंने आपको बताया था टूल बोलते हैं उसको, या तो वो टूट के आ रहा है या तिरपाल फट के आ रहा है, पर ये गाड़ी इतनी बेस्ट थी दोस्तों क्योंकि ये तो जीप की तरह है, जीप रख लो आप इनको, ये मतलब बिल्कुल छोटी सी, जो ऐसे पहाड़ कटे हुए आप मेरे चितकुल वाले ब्लॉग में देखना उसमें मैंने पहाड़ बताए हुए हैं, उनके नीचे से जब ये गाड़ी जाती थी तो कंफर्टेबल बिल्कुल आराम से, जीप की तरह छोटी सी गाड़ी है, रोड भी कंफर्टेबल होता है इसके लिए, एलपी गाड़ी के लिए। दोस्तों मैं बात करूंगा अगर 2015 की, मैं आपको रोडू की बात बताऊंगा, जबकि रोड तो अब बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया, रोड उस टाइम दोस्तों कीचड़ ही कीचड़, और हम लेके गए उस टाइम 15 टन सीमेंट बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, मतलब ओवरलोड है, 12 टन ऐसे नॉर्मल है, पर हम 15 टन लेके गए थे कहीं मतलब डंप से, तो गाड़ी ना चढ़े दोस्तों कीचड़ में, गाड़ी फंसने लग गई, तो मैंने उतरा, मतलब मेरे उस्ताद तो जो थे वो चलाने लगे थे, मैं उतरा, मैंने पत्थर उठाया, बारिश लगी थी, फिर मैंने पत्थर लगाया भाई, तब गाड़ी गई। ये गाड़ियां मतलब मेरे को सबसे बेस्ट लगी, मेरी जो मेरा जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो हाथ खोला है अपना,
मैं मतलब हाथ खोलने का मतलब कि मेरा जो हिम्मत खुली है गाड़ी चलाने की, जिससे मैंने बहुत ज्यादा गाड़ी चलाई, वो यही गाड़ी है। मतलब ये नहीं, मेरा दोस्त कोई एस गाड़ी चलाता था तो उसने मेरे पास बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा कोई उस्ताद मेरे को, मैंने किसी उस्ताद से बहुत ज्यादा गाड़ी सीखी, नहीं, मैं सिर्फ ऐसे घूमने जाता था, घूमने, मैंने मतलब मैंने स्कूल टाइम से ही गाड़ी सीख ली थी, तो ये गाड़ी मैंने बहुत ज्यादा चलाई। और आजकल अभी भी मैं बताता हूँ आपको, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे साथ के जो दोस्त हैं जैसे टीम के, तो मैं उनके पास भी ये गाड़ी दे देता हूँ, वो कंफर्टेबली बिल्कुल आराम से ये गाड़ी चला लेते हैं, क्योंकि कार है, आप लोग कार चला लेते होगे तो आप लोग भी आराम से चला सकते। अगर हाँ, अगर किसी भाई को ट्रक सीखना है ना, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे कि मितु भाई ट्रक सीखना है, ठीक है, तो वहीं पे मिलेंगे अब इंस्टाग्राम पे, जिस भाई को, मेरे भाई को ट्रक सीखना है। अब चलते हैं बाहर की ओर, अब नीचे नीचे वाले जो पॉइंट है, हिस्सा हो गया, जो बाकी सॉफ्ट हो गई, बाकी जो भी है लेदर वेदर टायर, वो दिखाते हैं, चलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि गाड़ी हो रही है गर्म और मैं गर्मी से हो रहा हूं परेशान। दोस्तों अभी मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, आप देख सकते हो मैं ठीक गाड़ी के ठीक नीचे हूँ, और देख सकते हो आप इधर उधर, तो मैं आपको गाड़ी के जो यहाँ के पार्ट्स हैं कुछ एक वो आपको दिखा देता हूँ मोटे मोटे से। वैसे तो सब कुछ मोटा मोटा है, पर मैं दिखा देता हूँ थोड़े जो जिनका मेरे को पता है, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ कोई, मेरे को जितनी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो देख लो जो भी मैं बता रहा हूँ अभी। दोस्तों ये रहा गियर, ये मेरे ख्याल 40 नंबर गियर है। हाँ दोस्तों ये गियर है, और ये देख लो आप, यहाँ पड़ती है किंग पिन आपकी, और लेदर अभी दिख नहीं रहे हैं, ये ब्रेक बूस्टर, रेचर्ड भी दिख रहे हैं पर पूरे पूरे नहीं दिख रहे हैं। ये टोटल जो भी है, मैं आपको धीरे धीरे जैसे मैं आगे आगे व्लॉग बनाऊंगा उनमें मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता रहूंगा, जैसे जैसे ये चेंज हो रहे हैं, ब्रेक लेदर पड़ रहे हैं, इस साइड को भी ये गियर है, ये सॉफ्ट है, और दोस्तों ये जो सॉफ्ट के बीच में, इसको सॉफ्ट बोलते हैं, ये जो ये चक्का घुमाती है, यहाँ से गियर पड़ेगा, यहाँ से पूरा जोर लग के, ये छत बैरिंग है दोस्तों, यहाँ से पूरा जोर लग के वहाँ पीछे हिस्सा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वैसे तो पीछे हिस्से में मार पड़ेगी, उससे ये दोनों साइड के एक्सल घूमेंगे, फिर टायर घूमेगा। तो आप लोग देख लो, ये जो इसके बीच में दिख रहा है आपको, ये तो ग्रीस करी हुई है, ग्रीस करवानी पड़ती है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं क्रॉस, ये मतलब इस चीज को पकड़ रखता है एक बराबर, ये देखो इसने पकड़ रखा है इसको। और दोस्तों ये जो ये है, ये एयर टैंक है, मतलब जो प्रेशर बनता है, मैंने आपको बताया था कि ट्रक में प्रेशर ब्रेक्स होती है, जो प्रेशर बनता है वो इसमें सेव होता है। प्रेशर कैसे बनता है, जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, मतलब चलने से ही जो हवा बन रही है गाड़ी की, वो यहाँ पे सेव हो रही है और यहीं से यूज हो रही है गाड़ी में, ये कम भी होता रहता है बढ़ता भी रहता है। और ये जो ये है, मे बी इसको छिक मशीन बोलते हैं, जब प्रेशर ओवर हो जाएगा तो ये यहाँ से छिक मारेगी, ऑब्वियसली भाई जब छिक मशीन बोला तो छिक ही मारेगी। और यार कंट्रोलर कहाँ है इसका, कंट्रोलर भाई, कंट्रोलर तो मेरे को भी नहीं दिख रहा दोस्तों अभी इस टाइम कहाँ है। ये रहा, मे बी ये रहा दोस्तों कंट्रोलर, जो इंजन मतलब लोड गाड़ी में खाली में भी लगाना पड़ता है कंट्रोलर, ये इंजन में दबाव बनाता है जिससे गाड़ी की रनिंग कम होती जाती है। ये साइलेंसर है, ये भी है एक पार्ट दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ग्लासी, इसमें भी डीजल आता है, ये स्टपनी है। अब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि मैं लेट आया गाड़ी के पास और अंधेरा हो रहा था और मैं अनकम्फर्टेबल भी हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और दोस्तों पाइपें देख लो आप कितनी गई है, ये आप लोग देख रहे हो हिस्सा, इसके अंदर पिनियन होता है और पिनियन प्लेट होती है और पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत लंबी कहानी है, आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा जैसे जैसे जो जो काम होता रहेगा। दोस्तों ये देखिए आप, ये जो मेन चीज़ है जो वजन उठाती है इसमें, वो आपके कार वाले सॉकर नहीं होते ट्रक में, ये होती हैं कमाणी बोलते हैं इनको, आप देख सकते हो अंदर से ये लोहे की पट्टे हैं सारे, टूट भी जाते हैं ये कभी कभी, ऐसा नहीं है कि ऐसे रहते, टूटते भी हैं, बड़ी दिक्कतें होती है दोस्तों गाड़ी में, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद ड्राइवर मतलब वो करता है क्या बोलते हैं उसको,
एडजस्ट करता है तब अपनी जिंदगी चलाता है धीरे धीरे। तो ड्राइवरों को भला बुरा मत बोला करो यार, मतलब रिस्पेक्ट किया करो ड्राइवरों की जितनी हो सके। जो हाँ वो अलग बात है कि कुछ लोग नहीं होते, पर फिर भी करा करो यार जितनी हो सके, गाली गलोच कम किया करो। सो बात करते हैं डाले की। तो डाला मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, ये सारी चीजें जो भी है ये टोटल मैंने आपसे शेयर करी हुई है। डाला, ब्रेक बत्ती, टायर में इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे, इसको सेफ्टी बम्पर बोलते हैं, पर ड्राइवर इसको बोलते हैं मेडा। मतलब सेफ्टी बम्पर हम लोग भी बोलते हैं, पर इसको मैक्सिमम ड्राइवर की लैंग्वेज में मेडा बोलते हैं। और ये उसका नाम है जिसकी ये गाड़ी है, मेरे दोस्त की, जिसने अपना नाम पीछे लिखवा रखा है, आप लोग देख सकते हो, लाडली नंबर वन। दोस्तों एक चीज रह गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो थी हैंड ब्रेक गाड़ी की, जो कि ये रही, बहुत ही एक अपसेट सी जगह है। अभी ये लगी हुई है, देखो आप ये वाली अभी ये लगी हुई है, जब ये आगे को हो जाएगी तब ये उतर जाएगी। अभी मैं उतार नहीं सकता क्योंकि गाड़ी आगे को भाग सकती है, ये देख लीजिए आप। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना ना भूले। और जो भी मतलब आपको कमी लगी या गलती लगी वो कमेंट करें, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको अपनी आईडी बायो में दे दूंगा और यहाँ पे भी मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए जय श्री राम।